गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यार मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं कर पा रहा था, कुछ पर्सनल रीज़न थे, बट मैंने अब स्टार्ट कर दिया ब्लॉग करना और आपको हफ्ते में लगभग दो वीडियो देखने को मिल जाएगी अभी। और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा यार सही था, तो मैं सोचा आज ब्लॉग कर लेते। आज रिपब्लिक डे भी है और जो कहते हैं ना कि शुरुआत तो करनी होगी यार, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था तो और काफ़ी ज़्यादा पिछड़ते जा रहा था, तो मैंने सोचा यार आज कर ही देते। हम आ चुके हैं 30 सेक्टर 30 में और अभी हम जा रहे हैं उनसे मिलने, तो चलो फिर मिलते हैं उनसे, फिर आपको बताते हैं। तो फाइनली अभी हम निकल चुके हैं गेस्ट हाउस से, तो अभी हम जा रहे हैं 20 की मार्केट थोड़ा घूमने। थोड़ी बहुत भाई से बातचीत की, उन्होंने थोड़ा बताया कि चंडीगढ़ में उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, ऑटो के बसें वो काफ़ी ज़्यादा मतलब किराया ले रहे थे, तो अभी हमने उनको थोड़ी बताया कि आप बसेस का यूज़ करो। बसेस का यूज़ करने का मतलब ये कि किराया वगैरह कम लगेगा और बेनिफिट भी काफ़ी अच्छे उसके जो इलेक्ट्रिक बसेस है। तो अभी फिर हम निकल चुके हैं यहाँ से, अब 20 की मार्केट जाना है तो हम निकल रहे हैं बस। ये भाई जा रहे हैं आगे अभी, तो अब 20 की मार्केट, तो फिर आपको मिलते हैं 20 की मार्केट में अभी। तो ये कुछ 20 की मार्केट वगैरह यहाँ पे, तो अभी हम ऐसे घूम रहे हैं, थोड़ा रूट वगैरह इनको बता रहे कि क्या रूट है ये इधर, तो वो भी जा रहे हैं आगे की ओर। और काफ़ी सही मौसम बना हुआ है यार अभी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब हल्की ठंड, क्या ठंड तो काफ़ी है ही है, धुंध भी पड़ती है सुबह, तो यहाँ मौसम का कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे। तो अभी संडे को हमने बोला कुछ प्लान बनाएंगे, भाई के साथ घूमने जाएंगे कहीं, उनको भी थोड़े रूट के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सा रूट, कहाँ से आपको बसेस वगैरह मिलेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। तो अभी रुके हुए हम चाय पीने के लिए, तो अभी बन रही है चाय हमारी, मसाला चाय बन रही है। तो ये ऋषभ भाई, ये अक्षय, ये अपने भैया, और ये कौन है रुपेश। तो चलो अब पीते हैं चाय थोड़ी देर में। तो अब आ चुकी है हमारी चाय, तो पियेंगे अब चाय का आनंद लेंगे। सभी बंदों ने ले ली चाय, लौंग डाला बंदे ने, पकड़ोगे शॉट डाल के, शॉट चल रहे आजकल। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं फिर। चलो तो फिर भाई को छोड़कर हम वापस आ गए थे अपने घर, फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया। देन थोड़ी आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप आप में से ज़्यादा तो लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है लागू हुआ था पूरे देश। दो साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था इससे बनने में, और 389 सदस्य थे और उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें और सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।